चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ए वन, आफ्टर 2 सेकंड अनदर बॉडी बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ए टू इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकंड। 5th सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, देन द रेशियो ऑफ ए वन एंड ए टू। मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से पहली कार ए है, दूसरी कार बी है, ये चलना शुरू कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? जीरो। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन पहले ये चलना शुरू कर रही है, ये जब यहाँ पहुँच रही है कार ए, तो ये टाइम हो चुका है 2 सेकेंड। जब ये यहाँ पहुँच रही है तब ये चलना शुरू कर रही है, इसका एक्सेलरेशन ए वन, इसका एक्सेलरेशन ए टू, चलते चलते ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और टाइम गुजर चुका है 5 सेकेंड, टी वन इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, करेक्ट। अब कह रहा है कि ये भी चलना शुरू कर रही है, जब 4 सेकेंड हुए थे तो मान लो 4 सेकेंड पे कार यहाँ थी, एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कार यहाँ थी, तो 5वें सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इस कार ने। अब ये कार चलते चलते एज्यूम करो यहाँ पहुँची कार भी, और अब तक 2 सेकेंड हो चुके हैं, 2 सेकेंड हो चुके हैं, करेक्ट है, और कार बी भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल की अगले 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 1 सेकेंड में, तो कार बी को डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने एस, यहाँ पे भी ये एस है, ये भी ये एस है, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन 2 सेकेंड यहाँ तक हुए थे कार बी को, यहाँ से यहाँ तक आए हुए, कार ए को यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड हुए थे, तो अगले 1 सेकेंड में इसने भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसका एक्सेलरेशन ए टू है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है 5th सेकेंड, इस ए के लिए ये 5th सेकेंड है, 5th सेकेंड है, लेकिन कार बी के लिए ये 3rd सेकेंड है, ध्यान से देखो, ठीक है, और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो अब अगर मैं कार ए की बात करूं तो टीएथ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होती है, यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ये होता है, इसको ये हटा दे रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू टीएथ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का, ये होता है। तो पहले कार ए के लिए मैं निकाल लूं और फिर कार बी के लिए निकाल लेते हैं, दोनों की वैल्यू को बराबर कहना हुआ है हमें, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, तो जीरो वन बाई टू ए वन टू टी वन माइनस वन, और एस इज इक्वल टू हाफ ए टू टू टी टू माइनस वन, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, तो वन बाई टू सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ए वन इन टू टू टी वन माइनस वन इज इक्वल टू ए टू टू टी टू माइनस वन, सो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू टू टी टू माइनस वन अपॉन टू टी वन माइनस वन। अच्छा, दूसरे कार के लिए 3rd सेकेंड है, ध्यान रखना, कार बी के लिए 3rd सेकेंड है, तो 2 × 3 माइनस वन अपॉन पहली कार के लिए 5th सेकेंड है, 2 × 5 माइनस वन कितना आएगा, 6 − 1 = 5, 5/10 − 1 = 9, 5/9, a1 by a2 की वैल्यू 5/9, ए ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।